आज हम भारत के उस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानने जा रहे हैं जिसका नाम है अंडमान निकोबार। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अंडमान निकोबार कैसे पहुंचना है, अंडमान निकोबार के लिए कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, अंडमान निकोबार में हमें खाने पीने की क्या व्यवस्था है, अंडमान निकोबार फ्लाइट से जाया जाए या जहाज से यानी कि क्रूज के माध्यम से जाया जाए, अंडमान निकोबार में लोकल ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा है, साथ ही साथ अंडमान निकोबार में कहाँ कहाँ घूमें जिससे हम परफेक्ट प्लानिंग के साथ अंडमान निकोबार को विजिट कर सकें। मेरी इस वीडियो में एक एक करके सारी बातों को एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको अंडमान निकोबार ट्रिप करने के लिए काफ़ी सहूलियत मिलेगी, आपका खर्चा भी कम से कम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान निकोबार कैसे पहुंचना है। दोस्तों अंडमान निकोबार पहुंचने के लिए कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है क्योंकि यह समुद्र के बीच एक छोटा सा आइलैंड है जिसे आपको या तो शिप के माध्यम से जाना होगा या एरोप्लेन के माध्यम से। अब बात करते हैं हमको जो फ्लाइट लेनी है, जहाज लेना है, वो कहाँ से लें। यहाँ पर मैं दोनों पहलू पर बात करूँगा। अगर मैं बोलूँ कि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं, फ्लाइट से जाने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट वो है पोर्ट ब्लेयर। दूसरी बात करते हैं, अगर आप शिप से आना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन केवल शिप में ही लग जाएगा और आपका खर्चा भी फ्लाइट जितना रहेगा लगभग। आप शिप कोलकाता से भी ले सकते हैं और चेन्नई से भी और विशाखापट्टनम से भी ले सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप शिप से भी जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अंडमान निकोबार में पहुंच के उसके बाद क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान में एक प्लेस है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान की कैपिटल भी है। तो आप पोर्ट ब्लेयर में भी होटल ले सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर में होटल थोड़े कॉस्टली होंगे जो कि 3,000 से 5,000 के आसपास मिलेंगे। अंडमान से 4.5 किलोमीटर आगे आ जाएं शहर में जहाँ सेलुलर जेल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन जगह पर जो होटल मिलेंगे आपको 1500 से 2000 में मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये सुझाव दूंगा आप पोर्ट ब्लेयर के पास ही रुकें। अगर आप पोर्ट ब्लेयर रुकते हैं तो 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये, आपको जो वापस एयरपोर्ट रहेंगे वो आपने होटल से काफ़ी नज़दीक पड़ेगा। पोर्ट ब्लेयर और जो आपके आसपास होटल रहेंगे वो मुश्किल से 10 से 15 मिनट दूर का रास्ता रहेगा। और दूसरा फ़ायदे की बात करूं तो आप 2 आइलैंड पर तो घूमने जाएंगे जो कि हर टूरिस्ट जाते हैं, जो है हैवलॉक आइलैंड और दूसरा है नील आइलैंड। वहां से जो आपको फेरी लेनी है वो आपको पोर्ट ब्लेयर से ही मिलती है जिसका नाम है मैरीना चट्टी। मैरीन चट्टी वो प्लेस है जहाँ से आपको फेरी की टिकट लेनी है। यहाँ पर आपको फेरी की टिकट 2 टाइप से मिलती हैं, एक तो जो गवर्नमेंट की शिप होती हैं वो और दूसरी जो प्राइवेट शिप होती हैं वो। प्राइवेट की शिप लेते हैं तो आपके रेट 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जो गवर्नमेंट का रेट होता है वो काफ़ी कम होता है, लगभग 300 से 400 रुपये राउंड ट्रिप का। और जो प्राइवेट शिप का आप लेते हैं उनका 2,000 से 2,500 रुपये होता है सिर्फ हैवलॉक आइलैंड जाने के लिए। अगर आप गवर्नमेंट फेरी लेंगे तो उसका आप 2 या 3 दिन पहले ही पोर्ट ब्लेयर आते ही टिकट ले लें क्योंकि जो गवर्नमेंट फेरी होती है उसकी ज़्यादा होड़ होती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डे 1 कहाँ कहाँ घूमें। तो सबसे पहले हमें घूमना सेलुलर जेल जो कि ब्रिटिश के समय काले पानी की सज़ा इसी जेल में दी जाती थी। 200 रुपये इसकी एंट्री फीस होती है और यहाँ पर आपको नाइट शो भी देखने को मिलेगा और आप वहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। और डे 1 में आप होटल में चले जाएँ, वहाँ रेस्ट करें। दूसरे दिन आपको जाना है रोज आइलैंड, वहाँ आपको वहाँ का नेचर, वहाँ की ब्यूटी, वहाँ के फेमस बीचेस भी हैं, वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। रोज आइलैंड जाने के लिए जो आपको जहाज लेनी होगी वो आपको अबरडीन जेटी के पास जाना पड़ेगा। अबरडीन जेटी वो प्लेस है जहाँ से आपको रोज आइलैंड के लिए फेरी मिलेगी। वहाँ जाकर टिकट निकलवाएं, टिकट का कॉस्ट 600 से 700 रुपये पड़ेगा पर पर्सन राउंड ट्रिप का वहाँ घूमना। नेक्स्ट डे नंबर 3 पर आप जाएं हैवलॉक आइलैंड। जैसा मैंने आपको बताया था कैसे फेरी लेनी है हैवलॉक के लिए, आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कितने दिनों का स्टे बनाना चाहिए हैवलॉक आइलैंड में और घूमने के लिए साधन क्या होगा। हैवलॉक आइलैंड पर आप दोस्तों 1 नाइट और 2 दिन का स्टे बनाएं। अब बात करते हैं हैवलॉक आइलैंड पर कहाँ रुकें। हैवलॉक आइलैंड पर जो सबसे नीट एंड क्लीन बीच है वो है आपका राधानगर बीच। यहाँ पर आपको कई सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे जिसकी कॉस्ट आपको 2,000 से लेकर 5,000 तक होती है एक दिन की। अब बात करते हैं हैवलॉक आइलैंड में क्या क्या देखने के लिए है और क्या क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप राधानगर बीच घूमने जाएँ, इसके बाद दूसरे बीच पर जाना है जिसका नाम है काला पत्थर बीच। यहाँ भी कुछ टाइम स्पेंड करें और फेमस बीच है जिसके नाम है एलिफेंटा बीच। यहाँ पर आपको वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी देखने को मिलेगी जैसे कि स्कूबा, पैरासेलिंग और भी काफ़ी चीज़ें इस आइलैंड पर देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं हैवलॉक आइलैंड में जितने भी बीच मैंने आपको बताए हैं इन्हें घूमने का साधन क्या होगा।
तो आप टैक्सी ले सकते हैं और जो थोड़े महंगी रहेगी, या फिर आप स्कूटी ले सकते हैं। आप जैसे ही शिप से बाहर उतरेंगे वहाँ आपको काफ़ी सारे स्कूटी एजेंट मिल जाएंगे, जो कि स्कूटी की कॉस्ट होती है 500 या 600 रुपये वो आपसे लेंगे। तो दोस्तों, हैवलॉक आइलैंड घूमने के बाद आपको जाना है नील आइलैंड पर। नील आइलैंड जाने के लिए आपको फेरी लेनी है, वो आपको हैवलॉक आइलैंड से मिल जाएगी। तो आप सुबह पहुंच जाएं नील आइलैंड। अब बात करते हैं नील आइलैंड पर कहां कहां घूमना है आपको। यहां भी बहुत बीच देखने को मिल जाएंगे, पर जो सबसे फेमस बीच है वो है लक्ष्मणपुर बीच। यहां भी आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको यहां में हैवलॉक आइलैंड का भी शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। और अगर आप यहां स्टे करना चाहते हैं तो लक्ष्मणपुर में ही करें, जो कि 3 से 4 हज़ार कॉस्ट होगी। और शाम को नील आइलैंड आप वापस घूम कर पहुँच जाएँ पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों, बात करते हैं इन सारी जगह पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है। अगर मैं पोर्ट ब्लेयर की बात करूं तो वहां पर खाने पीने का कई अच्छी फैसिलिटी मिल, लेकिन रेट ज़्यादा होते हैं। एक टाइम का एक पर्सन का लगभग 200 रुपये होगा। इसी तरह हैवलॉक और नील आइलैंड पर भी सेम कॉस्ट पड़ जाता है। अगली बात करते हैं हमको अंडमान निकोबार कब आना चाहिए और मोबाइल नेटवर्क कैसे हैं। तो दोस्तों, यहाँ जियो और एयरटेल के नेटवर्क सही देखने को मिलेंगे। वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क का इशू है थोड़ा। और बेस्ट सीज़न की बात करें तो नवंबर से मार्च आप कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं, मॉनसून के मौसम को छोड़कर। तो चलिए दोस्तों, लास्ट बात करते हैं बजट की। तो दोस्तों, इसमें जो भी कॉस्ट बता रहा हूँ वो फ़्लाइट की टिकट ऐड कर रहा हूँ, और खाने पीने की, स्कूटी की, शिप ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट को जोड़ा जाए तो कम से कम खर्चा होगा वो होगा आपका 20 से 25 हज़ार लगेंगे पर पर्सन। दो लोगों की बात करें तो 50 हज़ार कम से कम लगेगा। तो ये था दोस्तों अंडमान निकोबार का परफेक्ट प्लानिंग। तो दोस्तों, आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।